गोलू के पास एक हाथी है। गोलू उस हाथी के ऊपर तरबूज रखकर बेचता है, इसलिए नहीं खरीदने वाले भी उस हाथी को करीब से देखने के लिए एक तरबूज खरीद लेते थे। तरबूज वाला आ गया, तरबूज वाला। हाथी पर सवार होकर आ गया है तरबूज वाला। ऐसे गोलू अपना व्यापार करता है। उसी गांव में गोलू के घर के पास ही गोलू का भाई लड्डू रहता है। लड्डू हर रोज अपने भाई को देखकर सोचता है कि वो कितने अच्छे से अपना व्यापार कर रहे हैं। यही बात सोचते हुए, काश मेरे पास भी एक हाथी होता, तब मैं भी बड़े भैया की तरह अच्छे से अपना व्यापार करता। ऐसे कहते हुए चल रहे लड्डू को एक बहुत बड़ा असली हाथी जैसा खिलौने वाला हाथी मिलता है। उस हाथी के अंदर बैठकर उसे एक गाड़ी की तरह चला सकते थे। लड्डू उसे देखकर, पता नहीं ये किसका, अगर किसी का होता तो इसे लेने के लिए जरूर आते। इसे ऐसे खुले में ही छोड़ना बेवकूफी होगी। जब तक कोई इसे ढूंढते हुए ना आए, मैं इसे अपने पास ही रख लूंगा। ऐसे कहते हुए लड्डू उस हाथी के अंदर बैठकर उसे चलाते हुए अपने साथ घर लेकर जाता है। रात भर उसे देखते हुए बैठता है और सुबह अचानक से पता नहीं उसे क्या समझ में आता है, वो उस हाथी पर तरबूज जैसा रंग लगाकर उसे वाटरमेलन एलिफेंट बना देता है और उसके अंदर कुछ तरबूज रखकर व्यापार करने के लिए निकल जाता है। तरबूज ले लो तरबूज, तरबूज बेचने के लिए खुद तरबूज वाली हाथी आया है। 50 रुपए मुंह में रखो और पीछे से एक तरबूज ले लो। ऐसे उस दिन लड्डू के अच्छे से व्यापार होता है और लड्डू हर रोज ऐसे ही अपना व्यापार करता है। इस वजह से गोलू का व्यापार बंद हो जाता है। इस बात से परेशान होकर गोलू अपने छोटे भाई से मिलने के लिए आता है। अरे लड्डू, तुम्हारे पास वो जादुई हाथी कहाँ से आया? क्या तुम मुझे अपना हाथी को कुछ दिनों के लिए दे सकते हो? अच्छा, तो इन्हें ये हाथी जादुई लगता है। जब मैं इनसे व्यापार के लिए हाथी मांगता तो ये मुझे तरह तरह की बातें सुनाते थे। अब मेरी बारी है। ऐसे कहते हुए लड्डू अपने बड़े भाई की कंफ्यूजन दूर करे बिना कहता है कि उसका हाथी सच में जादुई है और इसलिए वो अपने हाथी को किसी को नहीं देगा कहकर गोलू को वहाँ से भेज देता है। गोलू थप के लिए तो चुपचाप चला जाता है, लेकिन ये सोचते हुए जाता है कि फिर शाम को आकर उस हाथी को चुरा लूंगा। यही सही मौका है, चुपके से जाकर उसके हाथी को मेरे हाथी से बदल देता हूँ। ऐसे कहते हुए गोलू अपने असली हाथी को लड्डू के घर के पास छोड़कर नकली वाटरमेलन हाथी को चुरा कर लेकर जाता है। अगले दिन सुबह लड्डू उस असली हाथी को देखकर बिल्कुल भी हैरान नहीं होता है, लेकिन ये बात कर लेनी चाहिए कहकर अपने भाई से ऐसे पूछता है। भैया जी, आपका हाथी मेरे घर पे क्या कर रहा है और मेरा हाथी आपके घर कैसे पहुंच गया? मेरा हाथी मेरे पास ही है और तुम्हारा हाथी तुम्हारा पास ही है। लगता है तुम्हारे हाथी का जादू खत्म हो गया है और मेरे हाथी का जादू शुरू हो गया है। ऐसे कहते हुए गोलू उस वाटरमेलन एलिफेंट को देने से मना करता है और लड्डू भी ज्यादा जिद नहीं करता है और उसके पास जो है उसी में खुश रहता है। कुछ दिनों बाद वहाँ पर उस नकली हाथी को ढूंढते हुए उस हाथी का मालिक आता है, तब उसे लड्डू मिलता है। हाँ, मैं जानता हूँ उस हाथी को।
वो मेरे भाई के पास ही है, जाकर उससे बात करके ले लो। ऐसे कहते हुए लड्डू बेच देता है अपने भाई के पास। वो आदमी गोलू हाथी ले लेता है। उसके बाद गोलू अपनी हरकतों पर और अपने भाई के घर में चोरी करके खुद की बर्बाद हो गया। ऐसे कहते हुए रो रहे गोलू के पास उसका छोटा भाई लड्डू आकर उससे कहता है कि मिलजुल कर रहने में ही सबकी भलाई है, और उसे उसका हाथी लौटा देता है। विद्या सुंदरपुर की एक आम महिला है, लेकिन उसके बाल वो बहुत ज्यादा बड़े और मजबूत है। विद्या के बाल देखकर हर लड़की और महिला बस यही बात सोचती है, काश मेरे बाल भी ऐसे ही लंबे होते। पता नहीं ऐसा क्या लगाती है अपने बालों में। पता, लेकिन किसी दिन मौका मिला तो जरूर पूछेंगे। लोग ऐसे सोचते हैं, लेकिन असल बात तो ये है कि लेकिन विद्या अपने बालों में ऐसा कुछ भी खास नहीं लगाती है। उसके बाल कुदरती तौर पर बड़े हैं। मैं दोबारा बाजार से कुछ भी खरीदने के लिए नहीं जाऊंगी। लोग मुझे एक एलियन की तरह देखते हैं। तुम ऐसे गलत बातें क्यों सोचती हो विद्या? तुम और तुम्हारे बाल है ही इतनी सुंदर की आम इंसान की नजर नहीं हटती है तुमसे। ऐसे विद्या का पति विजय उसे समझाता रहता है, इसलिए विद्या कभी कभी घर से बाहर निकलती है, वरना वो हमेशा घर में ही रहती है। ऐसे ही एक दिन घर के बाहर खड़ी विद्या के पास एक महिला आकर ऐसा कहती है, विद्या तुम हमेशा घर में ही रहती हो, कभी कभी बाहर भी आया करो हमसे बात करने के लिए। और क्या मैं तुमसे एक सवाल पूछ सकती हूँ? उस महिला की बात सुनते ही विद्या गुस्सा हो जाती है, क्योंकि हर कोई उससे सिर्फ यही सवाल करते हैं। विद्या गुस्से में उस महिला से कहती है कि वो अपने सर पर गोबर लगाती है और वहाँ से चली जाती है। घमंडी औरत, मैं तुम्हारे बालों का राज जान कर रहूंगी और तुम्हारा घमंड भी चुर करके रहूंगी। ऐसे कहते हुए वो महिला एक दिन छुपके से विद्या के घर में जाती है। वहाँ पर उस महिला को एक केमिकल की बोतल नजर आती है। उस केमिकल की बोतल को देखकर वो महिला समझाती है कि वही विद्या के लंबे बालों का राज है, इसलिए उस केमिकल के बोतल को उठा लेती है और उसकी जगह पर नकली तेल की बोतल रख देती है। विद्या घर लौटने के बाद उस तेल की बोतल को देखकर अब ये बोतल कौन लेकर आए हैं? मैं इन ही बालों को संभाल नहीं पा रही हूँ, मुझे ये तेल नहीं चाहिए। ऐसे कहते हुए विद्या उस तेल को ले जाकर बाहर फेंक देती है। यहाँ पर ये महिला विद्या जैसे बालों के लिए उस केमिकल को हर रोज अपने सर पर लगाती है, लेकिन दिन ब दिन उसका बाल झड़ने लगते हैं और कुछ ही दिनों में उसके सर पर सिर्फ गिनती के बाल रह जाते हैं। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? अब घमंडी और लालची विद्या नहीं मैं लग रही हूँ। मुझे उस विद्या से बात करना ही होगा, मैं ऐसा नहीं रह सकती हूँ। ऐसे कहते हुए वो महिला विद्या के घर जाकर सारी बात बताती है। उसकी बातें सुनने के बाद विद्या हैरान हो जाती है। पहले तुमने मेरे घर में चोरी की, उसके बाद मेरे साथ गलत करना चाहा, और अब मुझे से ही मदद मांगने आई हो। देखिए बहन जी, मेरी पत्नी सच में अपने बालों में ऐसा कुछ भी कास नहीं लगाती है। आप ये सब पागलपन छोड़ दो और उस केमिकल्स को फेंक कर हमेशा वाला तेल इस्तेमाल करके अपने बालों को ख्याल रखो। ऐसे कहते हुए विजय उस महिला को वहाँ से भेज देता है,
लेकिन विद्या उस महिला के बारे में सोचकर परेशान हो रही थी। तब विजय उसकी पत्नी विद्या को भी समझाता है कि उसमें उसकी कोई गलती नहीं है और ऐसे चुपचाप रहने से ही लोगों के मन में ऐसे अजीब अजीब ख्याल आते हैं। कहकर समझाता है, तो आप कह रहे हो जी कि मुझे खुलकर जीना चाहिए और सबके साथ मिलजुल कर रहना चाहिए। ठीक है, मैं ऐसा ही करूंगी। ऐसे कहते हुए उस दिन के बाद से विद्या सबके साथ मिलजुल कर रहने लगती है और हर किसी को उनका अच्छे से जवाब दे देती है ताकि कोई बेवकूफ ना कर बैठे। तब से सब उसे उस गांव में लंबे बाल वाली महिला कहकर पुकारने लगते हैं। कैसे हो आप? अब तो सब ठीक है ना? या फिर से वही ख्याल आ रहे हैं? मेरे बाल जानने के बाद पता चला मुझे जो है उसी में खुश रहना चाहिए। लालच करेंगे तो जो है वो भी खो सकते हैं। ऐसे उस महिला को भी अकल आ जाती है।